कौन आपसे कितनी दूर है और ये ऐप कैसे फंक्शन करता है, ये भी अगर आप अपने विजय करम के साथ अगर मिलकर हमें दिखा सके जब मैं वापस आपके पास लौट कर आऊं। वहीं इजराइल ने कल रात के जमीनी ऑपरेशन को टारगेटेड रेड का नाम दिया है, यानी कि एक खास जगह पर एक खास टारगेट के खिलाफ किया गया एक ऑपरेशन। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये टारगेटेड रेड हमास की ताकत को टटोलने के लिए किया गया था या उसके किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन को ध्वस्त करकर इसराइल की ग्राउंड ऑपरेशन को और आसान बनाने का रास्ता साफ करने के लिए किया गया था, क्योंकि गाजा की सीमा के अंदर कुछ दूर जाने के बाद इसराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वापस अपनी सीमा में लौट आई थी। तो इसराइल के जो मिडनाइट ग्राउंड ऑपरेशन के वीडियो में इसराइल के कई सारे टैंक रेतीले इलाके से बॉर्डर के पार जाते हुए दिखे, ये इमेजेस यहां न्यूज 18 इंडिया पर पहले भी अखाड़ा में आपको दिखा चुके हैं, यानी कि गाजा में दाखिल हो गए। यही नहीं, जमीन को समतल करते हुए कुछ इसराइली बुलडोजर्स भी दिखाई दिए, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि ये इसराइल के लिए एक रिहर्सल था ताकि ये देखे कि हमास की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि नहीं और कितना अंदर हम घुस सकते हैं, कितने सारे हैवी इक्विपमेंट के साथ हम घुस सकते हैं। उसी मिडनाइट ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली टैंक गाजा के सीमा के अंदर गोले दागते हुए भी दिखाई दिए। इसराइल का दावा यह है कि अगले चरण की यह तैयारी है। एक तरह से कहें तो इसराइल इसे ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कहने की कोशिश कर रहा है। इस मिडनाइट ऑपरेशन की वजह से इसराइल 25 अक्टूबर यानी कल की तारीख को बड़ा दिन बता रहा है, बिग डे, कि हमने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। क्योंकि कई लोग ये पूछ भी रहे थे कि आपने फौज तो तैनात कर सेना को तो तैनात कर दिया, पर आप ग्राउंड ऑपरेशन को डिले कर रहे हैं। जितना आप डिले करेंगे उतना वहां सैनिकों का मनोबल टूटेगा, असर पड़ेगा और हमास को उतना टाइम मिलेगा कि वो अपने काउंटर को कैलिब्रेट कर सके। चलिए नीरज के पास वापस चलते हैं। नीरज, ये ग्राउंड ऑपरेशन पर क्या अपडेट है? दूसरी बात, एश्कलोन कहां पड़ता है इसराइल और गाजा में? अगर देखें उत्तरी गाजा के पास पड़ता है या दक्षिणी इसराइल है, तो ये नॉर्थ गाजा और जहां पे ये ग्राउंड ऑपरेशन हुआ उससे कितनी दूर है एश्कलोन? देखिए, एश्कलोन बिल्कुल नजदीक कह सकते कि एश्कलोन गाजा के उत्तर में, हाँ, इसराइल के उत्तर में नहीं, गाजा के उत्तर में पड़ता है। गाजा की दो सीमाएं लगती है, एक उत्तर गाजा की सीमा उत्तर से लगती है और एक लगती है पश्चिम से, अगर कहें, हाँ। क्योंकि पूर्व में भूमध्य सागर है और दक्षिण में गाजा के इजिप्ट है। उत्तर और पूर्व का जो इलाका है, तो उत्तर में एश्कलोन है, 10 किलोमीटर की सीमा के अंदर है गाजा से, अगर कहेंगे। एसडेरोट जो है, एश्कलोन के पास हम लोग खड़े हैं, यहाँ से महज दूसरी तरफ दिखता है क्योंकि हम हाईवे पे हैं, वो यहाँ से दिखा नहीं सकते आपको, हाईवे पे है, वहाँ से दिखा नहीं सकते। आनंद, आपने बात किया था ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में, थोड़ा सा बताकर आपको ऐप के बारे में बताते हैं। तो एसडेरोट बहुत नजदीक है जहां हम लोग होते हैं, एसडेरोट से महज 800 मीटर की दूरी पर है। दूसरी चीज अब आपको दिखाते हैं, आपने बात किया था कि ऐप कैसे काम करता है, जोफार, TZOFAR, कई ऐप हैं लेकिन हमने जोफार ऐप को डाउनलोड किया है। ये ऐप है, देखिए हमारे मोबाइल में कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे और मैं आपको सारी चीजें बताते रहूंगा। अगर स्क्रीन पे आ रहा है करम, देखिए ये जोफार है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आपको ये जोफार हमने डाउनलोड किया है, इसको क्लिक किया है, इसकी सेटिंग में जाकर हमने तमाम शहरों का अलर्ट जारी किया है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एश्कलोन का अलर्ट जारी करे तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इजराइल के तमाम शहरों का अलर्ट जारी किया, किबूज का, केवल शहरों का नहीं गांव का भी। ये देखिए फाराजा, जिसके बारे में हम आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, ये गाजा इनवेलप, गाजा के नजदीक के जो एरिया है वहां का फाराजा, अगर हम फाराजा में होते और ये अलर्ट हमें आता तो हम जाकर शेल्टर लेते। इसी तरह से देखिए कल के अलर्ट आपको बता रहे, एक साथ 9:58 में और 9:59 में इतनी जगहों पे अलर्ट आए थे, एक साथ इतनी जगहों पे। और आप देखना अगर चाहते तो खोल के देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये हुआ था, अशडोड के बगल में हुआ था, इज़्ज़म बेट के बगल में हुआ था, ये सारी चीजें आपको जरा वो मैप ग्राफिक, अभी का जो अलर्ट है, अभी का जो अलर्ट आया है वो जरा उसका मैप जरा खोल के जल्दी से दिखा सकते हैं, जो लेटेस्ट अलर्ट आपने कहा फाराजा में आया है, तो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो अलर्ट कहां पे दिखता है, जरा उसको क्लिक करके हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि अभी लाइव पे अलर्ट आया। जी देखिए, ये मैंने खोला, ये फाराजा के बारे में बता दे, ये बॉर्डर का गांव है, महज 700-800-1000 के करीब आबादी है फाराजा। और यहाँ देखिए ये गाजा है, ये गाजा की सीमा आपको दिख रही है,
और ये बिल्कुल नजदीक है, ये जो बीच की दूरी है दिख रही है आपको आनंद, ये बहुत ज्यादा नहीं है, महज 1 से 2 किलोमीटर। फार राजा से गाजा बिल्कुल साफ दिखता है। अगर स्नाइपर से भी वहाँ कोई मारना आप पे अटैक करना चाहे तो वो अटैक कर सकता है, हमको निशाने पर ले सकता है, आर्मी को निशाने पर ले सकता है। ये फार राजा है, फार राजा वन ऑफ द डेडलीएस्ट अटैक वाला लोकेशन था आनंद, अगर आपको याद हो। 3 अगर लोकेशन अगर इस पूरे हमले की बात करें तो फार राजा, रेम, बेरी, ये 3 ऐसे लोकेशन थे जहां सबसे बड़ा हमला हुआ था। और फार राजा की ही 3 महिलाएं थी, 1 महिला और 2 बच्चे जो हमास के चंगुल से बचकर निकली थी बहुत मुश्किल से, लेकिन यहाँ एक बड़ा हमला किया था, नरसंहार मचाया था हमास के आतंकवादियों ने, घर में एक एक घर में घुसकर कत्लेआम किया था। जी तो ये वही किबूत समुदाय जो आपने कहा, जो ज्यादातर वहां पर शेतकरी हैं, यानी कि फार्मर्स हैं, किसान हैं, किसान समुदाय है किबूत समुदाय, और उसी के साथ वो नरसंहार वहां किया था, वो बर्बरता की गई थी, और बिल्कुल हमास की यानी गाजा पट्टी से सटकर है ये इलाका फार राजा। नीरज बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए, आप आगे फिर बढ़ रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स का हमें इंतजार रहेगा। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि बंधकों की रिहाई की वजह से इसराइल ने ज़मीनी हमले में देरी की है, क्योंकि हमास के लड़ाकों के जो भी वीडियो और मैसेजेस सामने आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं, और यही वजह है कि ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले इसराइल हर पहलू को परख लेना चाहता था। एक बात बता दें कि करीब 200 से ज़्यादा बंधक हमास ने बना रखे हैं, और ये करीब 36 देशों से आते हैं, सिर्फ इजरायली मूल के नहीं है, इसमें अमरीकी मूल और उसके साथ साथ 34 और देश के लोग भी बंधक बनाए गए हैं, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। बंधकों की रिहाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमास से जुड़े जैसे वीडियो आ रहे हैं, जैसे जैसे कबूलनामे सामने आ रहे हैं वो बहुत डरावने हैं। हमास का एक नोट सामने आया है जिसमें उसने अपने दुश्मन के खिलाफ ऐसी बातें लिखी है कि सुनकर कलेजा कांप जाए। हाथ से लिखे हमास के इस नोट में लिखा है, दुश्मन एक बीमारी की तरह है। अपने आतंकियों से हमास ने अपील की है कि वो अपने दुश्मन को खत्म करें, क्योंकि इस दुश्मन का कोई इलाज नहीं है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमास ने इस नोट के जरिए अपने आतंकियों से कहा है कि उसे अपने दुश्मन को हर हाल में मिटाना ही होगा। नोट में कहा गया है कि उसे अपने दुश्मन का सिर कलम करना होगा, यही नहीं, आतंकियों से कहा गया है कि उन्हें अपने दुश्मन का दिल और लीवर शरीर से चीर कर बाहर निकालना होगा। सिर्फ हमास का लिखा ये हैंड नोट ही नहीं, इसराइल में कत्लेआम मचाने वाले एक आतंकी का अपने पिता के साथ बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो क्लिप में हमास का आतंकी अपने पिता को नरसंहार की कहानी सुना रहा है। यही वजह है कि बंधकों की रिहाई इसराइल की टास्क लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर रिहाई को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाता फिर ग्राउंड ऑपरेशन ही आखिरी विकल्प रह जाएगा। लेकिन युद्ध पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो गाजा की गली गली में युद्ध को लेकर बहुत ही खतरनाक तैयारी है। अगर इसराइल की सेना गाजा में घुसी तो उनका सामना हमास के खूंखार आतंकियों से होगा।